सानू चंगी लगदी मां बोली साडे दिल विच वसदी मां बोली दिन महीना साल मोहब्बत वाह भाई वाह हर एक पल दे नाल मोहब्बत वाह भाई वाह। लेकिन बोली नाल प्यार शायरी नाल प्यार एदी कोई सरहद नहीं ते मैनू अपने आप तो हौला दिसया मैं गलियां दे सारे कख खरोले सन। वाह जी वाह। अज वेले दे सीने चढ़ के आसमाना नूं जप्फण वालिया अज वेले दे सीने चढ़ के आसमाना नूं जप्फण वालिया एनी गल तू चेते रखी वेला खूह दियां टिंडां वांगो घुमदिया घुमदिया थल्लियों उत्ते आ जावे ते उत्ते आ के रुक नहीं जांदा खूह दा पैंडा मुक नहीं जांदा थोड़ी देर दे नशियां मगरों वेला चक्कर खा जांदा है उत्तों थल्ले आ जांदा है। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों सज्जनों मित्रों बेलियो की हाल चाल है तुहाडा उम्मीद करना खैरियत नाल होवोगे। मैं तुहाडा वीर तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त जमशेद बदर। अज तुसीं परेशान हो गए होवोगे कि मैं पंजाबी आगाज़ कर रहा। पंजाबी साडी माँ बोली है साडी साडी मदर टंग है सानू इहनू कदी भी नहीं भुलना चाहीदा। और ऐसे सिलसिले की कड़ी नाल मैं एक ऐसी शख्सियत कोल मौजूद हाँ अज जिन्हां ने पंजाबी लई बहुत ज़्यादा कम किया और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान च नाम कमाया बल्कि इंडिया विच भी उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया। उन्होंने पहली किताब जी पब्लिश हुई कैदी सुपने 2010 विच शायरी पंजाबी शायर ने पंजाबी लैंग्वेज नू लैके चल रहे हैं उनकी प्रमोशन कर रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त शायर ने साडे जनूबी पंजाब दे मन्ने पर मन्ने ना सिर्फ जनूबी पंजाब च उन्होंने मनिया जाता है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान ते इंडिया च दोनों च बल्कि मैं अगर इंडिया च कहां तो उन्होंने ज़्यादा पजीर आई है बनिस्बत पाकिस्तान दे। जाहिर है असी मैनू एक चीज़ का बड़ा दुख भी है सारे भैन भरावां नाल साडे समाज नाल कि हमेशा तो कौमां अपनी जुबान दे उत्ते बड़ा मान रखदियां ने बड़ा उन्होंने फखर हुंदा अपनी जुबान ते लेकिन साडे पंजाबी ए स्पेशल मैं नॉमीनेट करके कहाँगा कि असी ऐसे लोग हाँ कि असी पंजाबी बोलन नूं अपनी तोहीन समझने हैं बल्कि साडी कोशिश हुंदी कि असी अपने बच्चों ठीक है अंग्रेज़ी भी सीखनी चाहिए उर्दू साडी कौमी जबान है वह भी सीखनी चाहिए लेकिन जिहड़ी साडी माँ बोली उन्हूं भी सानूं नहीं भुलना चाहिए। ऐसे सिलसिले च जनाब अज मैं मौजूद हाँ प्रोफेसर सगीर तबस्सम होरां दे दौलत कदे ते उन्हां दी मेहरबानी कि उन्होंने मैनूं मेरे ज वर्गे बंदे नूं खास टाइम दिता ते अज असी पंजाबी जबान दे उत्ते गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने प्रोफेसर सगीर तबस्सम होरी मैं काफ़ी लंबा इंट्रो दे दिता है तो मैं नहीं चाहता कि मजीद मैं सगीर तबस्सम होर की मौजूदगी पंजाबी जबान के उत्ते गलबात करा। मेरे नाल बेहतरीन इंसान मौजूद ने तो उन्होंने वाल चलने तो उन्होंने को पूछने हैं कि पंजाबी माशाल्लाह इन्ने पढ़े लिखे हो के भी पंजाबी जबान में प्रमोट करने का उन्होंने क्यों सोचा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी की हाल है जी। सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया। नहीं सर थोड़ा शुक्रिया सर तुसी टाइम दिता जी। नहीं जी मैं अक्सर थोड़ी वीडियोस देखता रहना कि तुसी जेड़ा जमशेद बदर दे नाम तो एक ब्रांड बन गए पूरी दुनिया च इस वेले लोग जमशेद बदर दे चैनल नु जेड़ा है वो उस तो इस्तेफादा करते हैं उस तो असी भी जेड़ा है ना उस वेख के बहुत सारिया प्रोडक्ट्स खरीदियां तो उस ते सानू जितना डिस्काउंट तुसी दिवा सकते हो साडी सोच तो बाद तुसी जेड़ा है ना उसकी वो सानू दस्सिया है ते जिथे तिकर तुहाडी आमद ते इस पंजाबी जुबान ते अज तुहाडे व्यूअर्स भी सोच रहे होने कि जमशेद बदर तो बड़ा सोहना लग रहा है पंजाबी बोलदे होया लेकिन उहदे नाल पहले ये हीरा कित्थे लुकिया रहा है ते मैं यही कहांगा कि जिहड़ी माँ बोली है वो तुहाडी नज़र मैं कहांगा ते तुहाडे व्यूअर्स दे नज़र भी कि धरती छड़ के भावें सजना चन्न ते जा खलो धरती छड़ के भावें सजना चन्न ते जा खलो तेरे अंदरों मर नहीं सकदी मिट्टी दी खुशबू। जदों तुहाडे अंदरों अज जो अपनी जुबान निकली है ते लोग तुसी परेशान नहीं होना हर बंदा अपनी थावें इस माँ बोली नूं उन्ना ही प्यार करता है लेकिन साड़ी जेड़ी क्योंकि कौमी जुबान उर्दू है इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी बन चुकी है तो लोग इसलिए एक अपनी गुफ्तगू नूं शायद अजनबी समझदे होए उहदे नाल उह कौमी जुबान करना जबकि तुसी चढ़दे पंजाब च वेखोगे ये तुसी अपने ही सूबे च वेखो बदर साहब एक पठान दूजे पठान नाल कदी भी ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नू प्रायोरिटी देगा ना वो कौमी जुबान च गल करेगा वो अपनी इलाकाई जुबान जेड़ी
पश्तो जबान मदर लैंग्वेज है उस चीज गल करेगा। तुसी सिंधी वाल वेख लो, सिंधी अदालतों तक जजेस ते क्लाइंट दी ते वकला दी जड़ी गलबात हुंदी वो सिंधी च हुंदी ज्यादातर। इसे तरह तुसी बलोची वेख लो, एक बलोची दूजे नाल अपनी जुबान च गल करेगा। वाहिद मैनू अफसोस नाल कहना पै रहा, एक पंजाबी ऐसा है कि दूजे पंजाबी नाल भी दूजियां जुबानां च गल करन नू प्रायोरिटी दे रहा होगा। ते मैं सर पंजाबी नू अगर लैके तुरिया हाँ, मेरी एजुकेशन मैनेजमेंट साइंसेज च एमफिल है, फिर मैं MBA MCOM कीता होया, ते मैं इत्थे बतौर कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेक्चरार हैं। लेकिन माँ बोली जड़ी है, मैं कहना कि जिस जुबान चो तुहानू सुफने आंदे हों उस जुबान नू छड़ के दूजियां जुबानां च किस तरह काम कर सकते हो। जदों तुहाडे ख्वाब ही पंजाबी च आंदे ने तुहाडी माँ बोली च, ते फिर उसे च लिखो, उसे च लिखो, उसे च गलबात करो। फिर मैं अपने आल दुआले वेखदा ओ रुख ओ पीपल ओ टालियां ओ नहरां ओ खूह ओ साडे खेत सोने ते चांदी नाल भरे हुए, उथों दी लुकाई उथों दा वसेब वो मेरी बोली ही समझदा है। वाह, ते मैं उन्हां नाल होर बोलियां च गल करांगा ते कीवें जी मैं पत्थरां नाल कर रहा। बिल्कुल सही, इसे लई मैं सानू चंगी लगदी माँ बोली, साडे दिल विच वसदी माँ बोली, असां डुल नहीं सकदे गैरां ते, सानू राहवां दसदी माँ बोली। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। सर मैं अपने बहन भाइयों नू जरूरी एक गल कहना चाहांगा। सब तो पहले तो इन्होंने एक सांझा पंजाब इन्होंने एक चैनल लॉन्च किया है, जिदा मैनू अलहमदुल्ला मैं बड़ा इस चीज़ के उत्ते फखर है कि पहला सबसक्राइबर होने का जमशेद बदर एजाज हासिल है। इन्हों का चैनल है सांझा पंजाब के नाम तो, वो मुख्तलिफ जड़े ने अरफाना कलाम भी मौजूद ने, पंजाबी शायरी भी मौजूद है जी, ना कि पाको हिंद बल्कि कैनेडा भी बड़ी उन्होंने पजीराई मिल रही है। रिसेंटली इन्होंने वो चैनल स्टार्ट किया है सांझा पंजाब। मेरे चैनल पर भी जाते हो तो एक ही चैनल सबसक्राइब किया हुआ नज़र आएगा मेरे चैनल पर, तो सांझा पंजाब उन्होंने भी चैनल में सबसक्राइब करो। बाकी गल्लां बातें तो सगीर साहब मौजूद ने, उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने अपना कीमती वेला साढ़े वर्गे नाचीज़ जहाँ इंसान को दिता है इन्होंने गलबात करने है। मैं चाहवागा सगीर साहब कोई थोड़ा जहा सांझा पंजाब नाम रखने का की मकसद है चैनल का थोड़ा? ये सांझा पंजाब जमशेद बदर साहब ने इसलिए रखे है, सब तो एक तो मैं शुक्रिया अदा कर दें कि तुसी पहले सबसक्राइबर बने, तो थोड़ी एक गल मैं बहुत अच्छी लगी कि किसी का मिन्नत तरला करन दी बजाय बिल्कुल एक ऐसी क्वालिटी खूबी वाला काम करो कि लोग थोड़े काम नू वेखदे आप थोड़े नाल कॉन्टैक्ट कर जुड़ जा। बिल्कुल सांझा पंजाब चैनल ते जितने वेखन वाले ने थोड़े वो उन्होंने अपना चैनल लगेगा इंशाल्लाह। ओदे उत्ते असी एक ते क्लासिकल शोरा, मैं दसो कि बाबा बुले शाह कौन सी? बिल्कुल सही, आज उसनू बाबा बुले शाह नू कौन जानदा है? नवी नसल, बाबा बुले शाह नवी नसल तक किताबां राही ते नहीं पहुंच सकता क्योंकि असी किताब तो बहुत दूर हो गए। ते असी आज सोशल मीडिया दे जरिए अगर बाबा बुले शाह दी जिंदगी उन्हां दी हयाती ते उन्हां दे कलाम नू तुहाडे तिकर अपड़ा दिए ते इस तो चंगा ते इस तो आसान वे केड़ा होएगा कोई? बाबा बुले शाह तो मैं एक मिसाल दी, तुसी बाबा फरीद है, फिर हीर वारिस शाह दे लिखण वाले वारिस शाह है, फिर तुसी चढ़दे पंजाब चों वेखो बाबा गुरु नानक ने, शिव कुमार बटालवी ने, अमरता प्रीतम जी ने। मेरा मकसद सांझा पंजाब दा ऐसी सर कि पंजाबी जुबान किसे एक थारा दी नहीं है। बिल्कुल सही, पंजाबी जुबान पूरी दुनिया च इस वेले 9वें 10वें नंबर ते 6500 जुबाना बोलियां जांदियां तकरीबन, उन्हां विचों 9वें नंबर ते अगर पंजाबी है ते तुसी उस ते तुहानूं फखर होना चाहिए। आज चढ़दे पंजाब च तुसी वेख्या होना उन्हां दी फिल्म इंडस्ट्री वो अपने कल्चर नाल जुड़े हुए जुड़े ने। जेड़ा बंदा सर अपने असल तो टुटदा है वो अपनी शनाख्त खो लैंदा कि मैं वो गिल्ला कागत जिन्नू लिखे ना कोई बाले, रूड़ी रूड़ी टुर के अपना सारा जीवन गाले, ते मैं वो थल दा बदल जिदे अपने बुल ने तसे, ना वो किधरे गड़गड़ गजे ना किधरे वसे,
मैं चुल्ले दी पुबल जिदे लेख च इट्टां रोड़े अंदरों अंदरी तुखदी रहंदी जू पिंडे ते फोड़े ते मैं अंबर दा तारा जेड़ा अपनी गोत नू पुलिया आसमाना तो थले डिग गया मिट्टी दे विच रुलिया। जदों असी अपने असल नू पुलांगे फिर मिट्टी दे विच रुलांगे ते असी असल नू पुलना नहीं चाहते। सांझा पंजाब अलामत है कि सरहदां जोग्राफिकली तो हो सकती है लेकिन बोली नाल प्यार बोली शायरी नाल प्यार एदी कोई सरहद नहीं होती। लिहाजा सब नू दावत है कि एदे नाल जुड़ जाए चाहे वह किसी भी जमीन नाल ताल्लुक। इंशाल्लाह जरूर जुड़नगे। मैं चाहूँगा सही सब तुसी कोई एक अद्धी होर नज़्म या गज़ल अपनी मैं चाहना नाजरीन नू साडे बहन भाइयों तक पहुँचाओ ताकि उन्होंने भी आइडिया हो कि माशाल्लाह तुहाडा तारुफ तो मैं नहीं करवा सकता मेरी इन्नी हैसियत नहीं है। मैं एक तो सर जो असी लिखते हैं ना जी जी शायर लोग जी जी वो किस कैफियत चो गुजरते हैं वो मैं थोड़े तिकर पेश करना चाहूँगा कि असा इंज नहीं लिखते दुखा नू असा इंज नहीं लिखते दुखा नू पहले सुरत गवानी पैंदी है एक अख नू लोरी देने एक अख जगानी पैंदी है कई रातां कोट के पीने आ कदी मरने आ कदी जीने आ फिर सोच हुलारे खांदी कदी तारियां ते जा बैंदी है कदी मोरां वांगर नचदी है कदी ठर जांदी है सुफनिया वांग कदी अग दे वांगर पखदी है कदी वेखदी मस्त कलंदरां नू कदी जाहिर नू कदी अंदरां नू कदी अग दे लाल समंदरां नू कदी नोहे पड़दी लाशां ते कदी जीउंदियां मरदियां आसां ते असां इंज नहीं लिखदे दुखां नू असां कल्लियां बह के चीकने आं असां इंज हयाती लीकने। वाह जी वाह जी वाह सगीर साहब क्या बात जबरदस्त माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा सर तुहाडी किताब कैदी सुफने आई 2010 विच हां जी ते माशाल्लाह उहदे ते वी तुहानू पज़ीराई मिली और मैं स्पैशल गल करांगा जीउंदियां मरदियां आसां दी हां जी जूनियर मर्दियां आसां 2018 च पब्लिश हुई सी हाँ जी ते एनू माशाल्लाह पाको हिंद विच बहुत ज़्यादा पजीराई मिली बल्कि मैं अगर कहां पाकिस्तान ते उस लेवल दे उत्ते पजीराई नहीं मिली इंडिया च जाके हिंदुस्तान च एनू बहुत ज़्यादा पजीराई मिली स्पैशल साडे सरदार भाइयां ने बहुत सारा एहदे उत्ते कुछ तराजम भी होए ने बुक्स दे उत्ते मैं जरा पुछना चाहूंगा। ये जमशेद बदर साहब इस तरह है कि 2018 च मैं 10 तो बाद गैप पाया। अच्छा, मैं क्या किताब इस मयार दी होनी चाहिंदी है। अच्छा, कि जिस वेले तुसी पढ़न वाले कारी नू दियो ते कारी दो तरह दे ने एक ने आम सता दा कारी जिसने तुहाडा पहला असर लेना है दूजा वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है जिहड़ा के चढ़दे ते लैंदे पंजाब च बड़े ही वो लर्नर ने बहुत सारियां किताबां दे राइटर्स ने बहुत सारा उन्हां दा मुतालिया है ते उन्हां दे मयार क्योंकि ज्यूरी जिहड़ी है ना उन्हां लोकां ते ही मुस्तमिल हुंदी। इह जिस वेले किताब पब्लिश होई सर इस किताब नू 10 अवार्ड्स मिले जिहदे विच मसूद खद्दरपोश अवार्ड पंजाबी दा बहुत वड्डा अवार्ड है बेशक बहावल नगर च दो पर्सनैलिटीज ने जिन्हां नू मिले। अच्छा, एक सलीम शहजाद साहब ने आलमोस्ट 64-65 साल दी उम्र ने एक मैं हां ते मेरे लिए ऑनर दी गल है कि मैं इतने डिस्ट्रिक्ट बड़े चो पांच तहसीलां दे दो बंदियां नू शायरी ते अवार्ड मिले जबरदस्त। बाबा फरीद अदबी अवार्ड मिलिया फिर इश्क लहर अवार्ड दिल दरिया पाकिस्तान 10 दे करीब माशाल्लाह। फिर मेरी किताब मेरे लिए एजाज है कि इस दी डॉक्टर सुगरा सदब दी मोहब्बत है पिलाक दे अंदर इहदी रूनमाई कीती गई बल्कि मैं शिरकत भी कीती तुसी शिरकत भी कीती उस दे विच बहुत सारे सियासी लोग भी आए जिदे विच तुसी साई जहूर सिंगर ने वो भी आए ते उस तो बाद फयाजुल हसन चौहान दूजी पार्टियां दे भी लोग बहुत सारे लोग ओहदे विच शामिल होए। फिर इस दी किताब दी रूनमाई फिर नासर बाग लाहौर हुई फिर गुजरात हुई फिर मुख्तलिफ शहरां दे विच इहदी तकरीब हुई। ठीक है, इस दे उत्ते सर फिर आर्टिकल्स लिखे गए वो अंग्रेजी ते उर्दू ते पंजाबी जितनी नैशनल अखबारां ने सब दे ए किताब नू फिर जदों मैं एक नवी किताब लिखी 2020 कूंजा विछड़न वालियां ने जिहड़ी गल ओ इंडिया दे विच पब्लिश हुई। ठीक है, ओहदे नाल ही एक इंतखाब इंडिया च पब्लिश होया। अच्छा, ए जनाब चंडीगढ़ चो किताब छपी पत्रिशी पब्लिशर बलदेव डॉक्टर बलदेव ने छापी फिर पटियाला यूनिवर्सिटी ए दी किताब दी रून रिलीज किया गया।
फिर उत्थों दे परमजीत टिंगरा साहब ने उत्थों दे डायरेक्टर उन्होंने कोई 10-12 सफ़ियां दे इसते आर्टिकल लिखिया, रूप है चल मेरा पुत दी एक्ट्रेस है रिनाउन, उन्होंने इस गीत नू मेरी शायरी नू काफ़ी दफ़ा गाया भी है ते अपने पेज ते भी लगाया। फिर उत्थों मैडम गुलशन कोमल साहिबा ने मेरे नाल दो गीतों दे एग्रीमेंट कीते हैं, वो उसनू प्रोडक्शन कर रही ने उहदियां। ते इंडिया दे विच चढ़दे पंजाब तो नाल नाल दुनिया च जिथे भी पंजाबी है वो इस कूंजा विछड़न वाली किताब नूं बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। ते ए मैं समझदा कि पाकिस्तान ते दूजे मुल्कां दे विच बराबर मुहब्बत मिल रही है। एक आर्टिस्ट जिहड़ा हुंदा ना सर, ओह ते उहदे लई सरहद कोई मानी नहीं रखदी, मुहब्बत कितों भी मिलदी है आर्टिस्ट नूं, इक मुहब्बत पूरी दुनिया चो समेट रहा हुंदा ना अपनी जी। ते स्पेशली तुसी पंजाबी नूं लै के चल रहे हो, पंजाबी इक अपनी जिवें वार वार कह रहे हैं कि साडी मदर टंग है, सानूं इहदे नाल मुहब्बत करना चाहिए और सानूं इह बोलदे होए फखर महसूस करना चाहिए। सर टाइम चूंकि घट है, वीडियो की एक लिमिट होंदी है, मैं चाहवांगा कि साढ़े भैन भाइयों के नाम कोई पैगाम तो एक आखिरी कोई नज़्म जी है वो अगर इन्होंने सुना दी जाए तो बड़ी जबरदस्त गल। मैं पैगाम तो यही दांगा कि जी अपनी बोली नाल मुहब्बत करो, तो इस बोली दे नाल मुहब्बत दे नाल नाल पूरी लुकाई नाल मुहब्बत करो। तो एक गजल ऐसे सनैरियो च के दिन महीना साल मुहब्बत, वाह भाई वाह दिन महीना साल मोहब्बत, वाह भाई वाह हर एक पल दे नाल मोहब्बत, वाह भाई वाह ते इको थां ते लभ गईयां ने मुर्शद जी, वाह वाह दारू रोटी दाल मोहब्बत, वाह जी वाह वाह जी वाह जी वाह इको थां ते लभ गईयां ने मुर्शद जी, दारू रोटी दाल मोहब्बत, वाह भाई वाह ते कल एक सुफना वेख के अग्गा मच गईयां, सुरखी बुलियां वाल मोहब्बत, वाह भाई ते दिल शराबी रोज एक बोतल मंगदा है, नशियां वर्गा जाल मोहब्बत, वाह भाई वाह ते नफरत टकरा मार के आपे मर जानी, लोहे वर्गी टाल मोहब्बत, वाह वाह लोहे वर्गी टाल मोहब्बत, वाह इको थां ते लब गईयां ने मुर्शद जी, दारू रोटी दाल मोहब्बत, वाह भाई वाह। एक नज़्म है जी, दो चार गजल दे बाद शेर उना दोस्तां दी नज़र के जड़े साडे वसेब दे ओ दुख जड़े ने ओ नज़र नहीं आंदे, या नज़र आंदे भी ने ते सानू उस ते चुप वट लैने असी, ते मैं ओ है के एक ते असी साडी जिंदगी की है की सही ओ है के साडा कच दा पिंडा उसने ओए होए होए रिस्क दे पारे संगला अंदर इस तरह कस के बने आए, ना हुन याद जवानी रहंदी ना सावां दी गर्मी, ना मखमल दे पिंडे दिसन ना होठां दी नरमी, असां ते खूह दे बलदां वांगू अखां उत्ते खोपे चाड़ के चक्कर खाई जाने आ, डंग टपाई जाने आ। इक गजल दे दो चार शेर के या तूं सानू जानो चुक लै, वाह 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 नहीं ते दुख जहानों चुक लै, वाह ते या धरती तो रात मुका दे, वाह या सूरज आसमानों चुक लै, मारे वाह मारे वाह ते मिट्टी नू बस रहन दे मिट्टी, मिट्टी सारा जहर इंसानों चुक लै, वाह 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 ते कंधा सब बराबर कर दे, वाह जी वाह सारा फर्क मकानों चुक लै, वाह 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 ते जेड़े प्यार दे सीने वजन ऐसे तीर कमानो चुक ले, ते याज मेरी सुन ले रब्बा या फिर हरफ जुबानो चुक ले। एक जमशेद बदर साहब नू बहुत पसंद है गजल, ते उना दे लई के जेड़े मंजर अखियां कोलों ओले सन ओही रात नू सुफने अंदर बोले सन, ते मैं गलियां विच कासे चक्की फिरदा सी, वाह 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 तू आसमान दे सारे बूहे खोले सन, वाह वाह ते मैनू अपने आप तो हौला दिसया नहीं, वाह मैं गलियां दे सारे कख खोले सन, वाह जी वाह मुकरर जी मुकरर मैनू अपने आप तो हौला दिसया नहीं, वाह वाह मैं गलियां दे सारे कख खोले सन, वाह और शेर वेखना के एक बच्चे दे हाथ
किताबां फड़ियां सी, एक बच्चे दे हाथ करारे छोले सन। आए हाए, आए हाए, ऐसर साड़ा बहुत बड़ा सन है। एक बच्चे दे हाथ किताबां फड़ियां सन, एक बच्चे दे हाथ करारे छोले सन, ते मैं खुशियां वल सेरे बन के टुरिया सी, मेरे झूठे ख्वाब ते दुख बचोले सन, जेड़े मंजर अखियां को बोले सन, ओह रात नूं सुपने अंदर बोले सन। बहुत शुक्रिया जनाब। सर तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिवें तुहाडा दोबारा एक मुलाकात हुई है, तो नाल नाल मैनूं पुरानियां यादां जिहड़ियां ने आ रही ने, तो एक तुहाडी है सी कन्नां विच तारिआं दे हवाले नाल है सी, एक तुहाडी बड़ी खूबसूरत गज़ल सी। ओ सर गज़ल सी, ओ गाई भी है। अच्छा, मुख्तलिफ गायक ने पिछले दिनों मेरा एक प्रोग्राम होया सी पिलाक दे अंदर, मेरे गीत गायकी च पेश किए गए, उन्होंने भी गाई सी, फिर असलम सागर ने गाई, बहुत खूबसूरत अंदाज च गाई कि दिल दे तार हला जांदा है, दिल दे तार हला जांदा है जद भी चेते आ जांदा है, दिल दे तार हला जांदा है जद भी चेते आ जांदा है, ते रो रो के मैं ख्वाब सुआवा, रो रो के मैं ख्वाब सुआवा, हस के फेर जगा जांदा है, चन भी कन्नी तारे पाके रोज भुलेखे पा जांदा है, ते रोग इशक दा कुछ नहीं कहंदा, अंदरों अंदर ही खा जांदा है, और जद भी अंदर झाती मारा कुप हनेरा छा जांदा है। वाह वाह वाह, क्या दिल दे तार हला जांदा है जद भी चेते आ जांदा है। सर मैं थोड़ा शेर जो है ना अक्सर कला ड्राइव कर रहे हो तो जरूर गुनगुनाना, तो अज वेले दे सीने चढ़ के, यह भी मैं थोड़ा मतलब माशाल्लाह शायरी तो बहुत सारी है जी मैं पसंद है, लेकिन जी मैं अजबर हो चुकी, याद हो चुकी है जुबानी, मैं याद है उन्होंने चो चंद चीज़ें आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सगीर साहब, तुसी मेरे जैसे नाचीज़ इंसान को अपना कीमती वेला देता। ऐसी जनाब अज दी एपीसोड तुम्हें कैसी लगी, और सगीर साहब ने जी शायरी सुनाई और जी गलबात माँ बोली के हवाले की है तुम्हें कैसी लगी, है सारिया गल् जरूर तुम मैं कमेंट सैक्शन में दसनिया ने। अज तक इन्ना ही, अपने भरा अपने वीर अपने सज्जन अपने मित्र जमशेद बदर को दो इजाजत, इंशाला नैक्सट किसी एपीसोड किसी होर टॉपिक फिर मुलाकात होएगी, उदों तक अल्लाह निगेबान।